और ये अप्रोक्स हमें पड़ा 147,47,000 का। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और बहुत दिन हो गए मिले हुए भी। लास्ट व्लॉग के बाद ऑलमोस्ट 20-25 days अप्रोक्स हो गए वीडियो आए हुए भी। अब सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड था लास्ट टाइम के बाद ना, तो टाइम ही नहीं मिला इतना कि वीडियो वगैरह शूट कर सके। अब थोड़ा फ्री हुए तो लास्ट टाइम के बाद से, जैसे आपको पता है कि लैपटॉप की थोड़ी कमी ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि व्लॉगिंग वगैरह में भी मेरे पास पीसी था, तो ट्रैवल में ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा था मैं। फिर उसको एक साथ सारे ब्लॉग एडिट करना, आके डालना, वो सब ना बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा था। और अब कुछ ज़्यादा नीड भी हो गई, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि संस्कृति, ये इसका सेटअप है, और थोड़ा हाय। काम चल रहा है हमारा स्टूडियो में। हाय, और अभी ना पूरा सेटअप ही हाँ, बना, न्यू सामान आ ही रहे हैं, तो अच्छी कैसे जाती ये है। भी अपना एक YouTube चैनल खोल रही है, किससे? इलस्ट्रेशन से हाँ, रिलेटेड, डूडल से इलस्ट्रेशन रिलेटेड। और कुछ हाँ बेसिकली व्हाट आई डू सब हाँ कुछ। बेसिकली हम दोनों ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और ये डूडल इलस्ट्रेशन बनाती है। और अब ये सोच रही है कि जैसे कि इसको एडिटिंग वगैरह भी सीखनी है, और हमें हमें ट्रैवल के लिए भी थोड़ा ना, मतलब कि इक्विपमेंट कम पड़ रहे हैं। बेसिक ये है कि लैपटॉप तो चाहिए ही होता है इंसान को, तो आज सोच रहे हैं कि लैपटॉप लेने जाएं। अब देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप पसंद आएगा, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। थोड़ा बहुत मतलब कि सर्च वगैरह किया है, और रिसर्च थोड़ा किया है। अच्छा हाँ होना चाहिए कि गेमिंग वगैरह के लिए, हाँ मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ही ग्राफिक्स अच्छे हैं उसके, मेरे को सब बेसिकली कुछ। वीडियो एडिटिंग के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ग्राफिक कार्ड एक अच्छा लगना चाहिए उसमें, और प्रोसेसर वगैरह। तो ये लास्ट मैंने अगस्त में ये पीसी बनाया था, इसका भी रिव्यू आएगा जल्दी, और अपना सेटअप वगैरह दिखाएंगे। अब डेली ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, अब चलते हैं लैपटॉप लेने। चले रिलायंस डिजिटल में आए थे, अब यहाँ तो आउट ऑफ स्टॉक है। अब ढूंढते हैं कहीं पे, नेहरू प्लेस वगैरह ढूंढते हैं, और चलो नेहरू प्लेस चले एक बार ट्राई करें। हाँ, लिनोवो में भी ट्राई किया लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब नेहरू प्लेस में देखते हैं अब जाके कि क्या होता है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। कैसा लग रहा? नींद आ गई यार, सुबह से घूमते घूमते। क्या करिए, मुझे दे देगी? मुझे दे देगी? चलिए, एसेसरीज तो मेरी है। हैं? कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे रात को, तो इस वजह से अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं कर पाए, और संस्कृति को भी अपने घर जाना था, और टाइम भी बहुत लग गया था शूट करने में, तो इसलिए आज अनबॉक्सिंग करते दिखाते हैं। अभी तक यही सस्पेंस है कि कौन सा लैपटॉप लिया है। ये है लेनोवो का लीजन, अभी तक मॉडल नहीं पता लोगों को, खाली डब्बा है। यूँ मैं सोच रहा कि नया लैपटॉप ठोक रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लैपटॉप दिखा दूँ? वेरी एक्साइटेड। तो ये है भाई साहब, लेनोवो लीजन 5 प्रो, राइजन राइजन 7 वाला। और ये अप्रोक्स हमें पड़ा 147,47,000 का, और बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई हमारे से। नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है, और इसके साथ इसके चार्जर नहीं, इसके साथ एक 1 किलो की ईट मिली है हमें, और अप्रोक्स 1 किलो से ज़्यादा ही वेट होगा इसका।
बट कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कल पूरे दिन हम घूमते रहे तब जाके मिला। और लास्ट टाइम जो हमने रिलायंस डिजिटल में पूछा था तो उसमें मिल रहा था पहले जो मॉडल आते थे, अभी मतलब जो लास्ट लेटेस्ट, ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, इससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसके अंदर माउस आता था, तो हमें अलग से लेना पड़ रहा था, तो वैसे डिस्काउंट के साथ मिल रहा था ये हमें 1,39,000 के अप्रोच 4% डिस्काउंट था। उसके बाद फिर हमें अलग से माउस खरीदना पड़ता, तो हमने एक ये माउस पसंद किया था, फिर एसेसरीज वगैरह इंक्लूड वगैरह करके वो हमें डिस्काउंट वगैरह मिल गया, ओवरऑल पड़ा 1,47,000 अप्रोक्स ना, 1,47,000 बिल डाल दूँ मैंने, अगर देखना हो तो कहीं सोचो कि झूठ बोल रहा। और एक इसका कॉस्मिक का कॉस्मो 7.1 का हेडफोन दिया इन्होंने, और ये हेडफोन कम ऐसा लग रहा सर्दियों में वो कान नहीं ढक लेते बंदे वो ज़्यादा लग रहा, लेकिन अच्छा था, बेस वगैरह सही था। और बैग में 1,000 रुपये ऑफ मिल रहा था, बैग लुक्स नाइस, बैग खसी से था वो जो मिल रहा था ना वहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। लीजन का जो नया वाला बैग था वो 4,000 रुपये ले रहे थे, 1,000 रुपये ऑफ कर रहे थे उसमें डिस्काउंट के, उसमें हमें वो पसंद नहीं आया तो हमने ये ले लिया था 2,500 अप्रॉक्स का डेल का। और ये दिया इससे बीच में एक लॉजिटेक का ये दिया कीबोर्ड, और ये तो मैंने हड़प लिया इससे, ये तो मैं अभी दे रही हूँ, और एक हेडफोन हड़प लिया, माउस दे दिया मैंने उसको, क्योंकि माउस की तो नीड होती है, माउस भी देखना है मेरे ख्याल से 4,000+ DPI वाला है, सही है। अब ये कल ब्लॉग का एंड करना भी भूल गए थे, और अब कोशिश करेंगे डेली की रेगुलर ब्लॉग लेके आए। और सबसे ज़्यादा दुखी हो रहा है कि ये सर नहीं जा रही है, कॉलेज खुल गया है इसके, तो अब थोड़ा दुखी हो रहा है, इतने टाइम से साथ में थे, डेली मिल रहे थे सुबह शाम, मतलब ऑलमोस्ट सुबह आती थी तो रात को जाती थी। तुझे मेरे जाने का दुख है कि लैपटॉप जाने का दुख है? लैपटॉप तो अभी आया, लैपटॉप तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ, बट तेरे को थोड़ी खरीद लूँगा, और चेन्नई में जा नहीं सकता, मेरा सारा सेटअप इधर ही है, मेरा सेटअप दिखाऊँ मैं आपको, और ये मेरा सेटअप। और लास्ट टाइम याद है जिसने सीरीज देखी होगी उनको मैंने बोला था कि मेरे 2 बच्चे हैं, मिला दूं, मिलवा दूं, एक तो ये रे भाई साहब, भाई साहब ये है मेरी डेंजल, ओए, और दूसरे से मिल लो मेरी जान से, ये लो डैना, ओए डैना, और बेटर हाफ। आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, और लीजन 5 प्रो है राइजन, इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, राइजन 7500 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला, और प्रोसेसर GPU है इसके अंदर 3060 RTX 6GB वाला, वॉट वगैरह मेरे को देखना पड़ेगा क्या है, और हाँ एक 1 TB SSD है इसमें, और क्या था Space? हाँ 1 TB SSD है ना बस, बाकी अगर हाँ अगर उसके अलावा कुछ इंक्वायरी होगी या कुछ परफॉर्मेंस वगैरह देखनी होगी आप लोगों को पता करनी होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो बता दूंगा। और इसका भी अगर रिव्यू देखना चाहते हो, ये अप्रॉक्स मेरे को पड़ा था लास्ट अगस्त में ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपये का, तो अगर इसका भी रिव्यू देखना चाहोगे तो इसका भी रिव्यू डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना, और ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, बाय, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और डेंजल क्या कर देना, चले अभी सोच रहा हूँ एक दो दिन में ना एक ब्लॉग बनाऊं कि अब फुल डे स्पेंड विद माय डॉग्स कैसा रहेगा, बनाऊं या ना बनाऊं, चलो ओके बाय गाइस।